नंबर 16, जिमिन ने एक बार अपना टैटू फ्लॉन्ट किया था, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसको देखने के बाद फैंस के काफी डिफरेंट ओपिनियंस थे और काफी फैंस डिबेट कर रहे थे कि ये रियल है या नहीं। आप लोग कमेंट्स में बताना ना भूलें कि आपको क्या लग रहा है, ये रियल है या फेक। नंबर 17, जिमिन की फिल्म चॉइसेस की बात करें तो जिमिन को एक्शन फिल्म्स देखना काफी पसंद आता है। नंबर 18, जिमिन की बकेट लिस्ट की बात करें तो जिमिन की बकेट लिस्ट में ट्रैवलिंग करना, काफी ज्यादा पैसे कमाना और एक अच्छा बेटा बनना शामिल है। नंबर 19, जिमिन ने बताया कि कॉमिक बुक ड्रैगन बॉल जिमिन की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉमिक बुक हुआ करती थी, और जब जिमिन बड़ा हो रहा था तब वो फ्री टाइम में कॉमिक बुक कैफेज जाया करता था और वहाँ काफी इंजॉय किया करता था। नंबर 20, कहा जाता है कि जिमिन के पेरेंट्स बुसान में पहले कैफे ओन किया करते थे, जो कि BTS और जिमिन फैंस द्वारा काफी ज्यादा विजिट किया जाता था। नंबर 21, जिमिन ने बताया कि वो क्यूट और काइंड वुमेन की तरफ काफी अट्रैक्ट होता है, और जिमिन ने कनेडियन एक्ट्रेस रेचल मैकएडम्स को अपना हॉलीवुड क्रश भी बताया। जिमिन का एक छोटा भाई भी है जो कि जिमिन से 2 साल छोटा है, और जिमिन बताता है कि वो अपने भाई के साथ काफी क्लोज है। नंबर 23, जिमिन ने एक बार हाई स्कूल फेस्टिवल में वुमेन हैंडबॉग भी पहनी थी, और जिमिन उस कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्लेस भी जीता था। नंबर 24, जिमिन के निकनेम्स की बात करें तो उसके काफी निकनेम्स हैं, जिसमें जिमिनी, मोचा, चिमचिम और प्रिंस ऑफ बुसान भी शामिल है, जिसमें से आप कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे क्यूट निकनेम कौन सा लगा। नंबर 25, जिमिन ने बताया कि कॉन्सर्ट्स खत्म हो जाने के बाद जिमिन रिलैक्स होने के लिए और हार्ड वर्क को रिवॉर्ड करने के लिए सब बैंडमेट्स के साथ मिलकर डिलीशियस फूड खाना पसंद करता है। नंबर 26, जिमिन का फेवरेट नंबर 3 है। नंबर 27, डेब्यू से पहले जिमिन के लिए काफी स्टेज नेम सोचे गए थे, जिसमें बेबी जे, बेबी जी और यंग किड शामिल थे, जहां जिमिन ने काफी सोचा और काफी डिबेट किया कि वो किस नेम को अपना स्टेज नेम चुने, लेकिन बाद में जिमिन ने डिसाइड किया कि वो अपने रियल नेम जिमिन के साथ ही स्टिक रहना चाहेगा और इसी को एज अ स्टेज नेम यूज करना चाहेगा। नंबर 28, साउथ कोरियन सिंगर और सॉन्ग राइटर रेन जिमिन के लिए एक रोल मॉडल रहे हैं, क्योंकि ऑल्दो जिमिन को डांस करना बचपन से ही पसंद था, लेकिन जब जिमिन ने रेन को स्टेज पे परफॉर्म करते देखा तब जिमिन ने डिसाइड किया कि उसे भी कुछ ऐसा ही करना है, और जिमिन ने डिसाइड किया कि वो एक स्टेज परफॉर्मर ही बनेगा। इसके अलावा बिग बैंग मेंबर टाई यांग भी जिमिन के लिए एक रोल मॉडल रहा है। नंबर 29, जिमिन ने बताया कि उसका लाइफ मोटो है लेट्स कीप ट्राइंग टिल वी कांट डू इट एनीमोर, जिससे पता चलता है कि जिमिन हमेशा से ही एक हार्ड वर्क कर रहा है और वो हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो डांस प्रैक्टिस, स्टेज परफॉर्मेंसेस, सिंगिंग, कुछ भी हो।